हे गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। और यहाँ हो रहा है सुबह का टाइम, तो नाश्ता वगैरह बन चुका है और मैं यहाँ पर मंदिर साफ कर रही थी क्योंकि मंदिर काफ़ी गंदा हो रहा था मेरा काफ़ी दिन से। राशि ने कपड़ा भी जला दिया था अगरबत्ती जलाते हुए। तो आप सबसे पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। और यहाँ मैं मंदिर के वो वस्त्र उतार रही थी, तो उनको स्नान करवा के तब मैं मंदिर साफ करती हूँ। इससे मंदिर की मूर्तियाँ भी साफ़ हो जाती है और मंदिर काफ़ी ज़्यादा शाइन मारता है। तो ये मैंने गर्म पानी से मैं यहाँ इनको स्नान करवा रही थी सभी मूर्तियों को। और इसमें मुझे काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि एक एक मूर्ति को उठा के उसको साफ करना बहुत टाइम लग जाता है। तो यहाँ ये वस्त्र थे, एक तो मैं बहुत कन्फ्यूज़ हो रही थी कि मुझे सभी भगवानों को एक जैसे वस्त्र बनाने हैं। तो ये मैंने बना तो रखे थे सेट, लेकिन कुछ उनमें कम थे तो मैंने कई सारे यहाँ पे ट्राई किए। कभी मैंने ग्रीन पहनाया, कभी मैंने इनको कई तरह से पहनाए। काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा दिया था मैंने इसमें, जैसा कि आप देख सकते हैं। कभी मैं कोई से निकाल रही हूँ, कभी मैं कौन से देख रही हूँ। और मैंने इनको पहनाए भी, कभी ग्रीन पहनाए, कभी ऑरेंज पहनाए, तो अलग अलग तरह से मैं इनको पहना रही थी। और ये मेरी मालाएँ हैं, माला का बॉक्स है। तो यहाँ पर मैंने इन सबको स्नान करवा दिया था। और ये देखिए, ये मैंने पहले ये पहनाए, मुझे पसंद नहीं आए। और इसका तो मेरे पास पूरा सेट वैसे बना हुआ था, लेकिन एक तो भगवान जी थे जिनको नहीं था। इसमें गणेश जी और लक्ष्मी जी का नहीं था स्टॉल एक जैसा। फिर मैंने ये पोचू पहना इनको, तो ये भी चार सेट बने हुए थे। तो फिर मैंने इनको भी हटाया, इनको भी मैंने प्रॉपर नहीं पहनाया था। और मंदिर फाइनली मैंने इस तरह से मंदिर तो को तैयार कर दिया है। लाइट जो थी वो लगा दी है। इतना प्यारा लग रहा है मेरा मंदिर। ये है मेरा मंदिर, प्यारा सा, छोटा सा। मंदिर मेरा सच कर तैयार है। तो यहाँ मैंने ये दिवाली वाली लाइट जो थी वो लगा दी है। और ये मैंने, ये है मेरा मंदिर, प्यारा सा, छोटा सा। तो यहाँ बना रही हूँ मैं चिकन चाउमीन। पहले मैं चिकन को बटर में फ्राई करूंगी। और यहाँ मैंने चिकन फ्राई कर लिया है, तो मैं बना रही हूँ साथ में राम लड्डू। मैंने ये मूंग की दाल थी तो मैंने इसको भिगोया था आधा घंटा। और इसे दरा दरा पीस लिया है मैंने। इसे मैंने डाला नमक और अब डाल दी मैं इसके अंदर हींग। तो मैंने मूली के पत्ते भी धो लिए हैं इसकी चटनी बनाने के लिए। इसकी चटनी मूली के पत्तों से बनती है। इसको बस मैं फ्राई करूंगी। इसमें पानी कम डाल के करा जाता है क्योंकि बहुत जल्दी पतला होता है ये। तो ये आकृति ने पीस के दिया है तो थोड़ा पतला ही हो गया है। तो मैं इसी तरह से इसके सारे पकौड़े फ्राई कर लूंगी। तो ये इस तरह से बस मैं सारे फ्राई कर लूंगी। अभी मैं थोड़ा ऐसे ही निकालूंगी क्योंकि जब ये आएंगे तो पूरा इसको वो करूंगी। तो मैं इसे हाफ फ्राई निकाल लूंगी और इसके साथ में मैं करूंगी मूली के, मूली कद्दू बस करके इसके अच्छे भी बनाऊंगी साथ के साथ। तो यह मैंने पकौड़े फ्राई कर लिए हैं और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए कॉफ़ी क्योंकि आज मेरी तबीयत भी और हाथ में मेरे बहुत दर्द हो रहा है। मेरा हाथ नहीं चल रहा है, इसलिए पहले मैं यहाँ कॉफ़ी बना लेती हूँ। और मैं बना रही हूँ चाउमीन के लिए ऑमलेट। तो उसमें मैं डालूंगी मशरूम जो मैंने इस तरह से छोटी छोटी काट ली है और हरी मिर्च वगैरह डाल के, तो मैं उसको पहले ऑमलेट बनाऊंगी फिर उसके पीसेस करूंगी। तो यहाँ मैं चाउमीन उबाल रही हूँ और इसमें मैंने डाला है नमक और ऑयल डाला है थोड़ा सा। और यहाँ कॉफ़ी बन चुकी है तो आ जाइए आप भी पी लीजिए। चाउमीन उबल चुकी है तो फिलहाल मैं चाउमीन वगैरह उबाल के रखा हूँ और मुझे यहाँ फोन कर
कर रहे हैं कपड़े, तो कपड़े काफ़ी सारे पड़े, पूरा सोफ़ा भरा हुआ, तो पहले मैं ये फोल्ड कर लेती हूँ, उसके बाद करूँगी, क्योंकि अभी इनको आने में थोड़ा टाइम है। ये आ चुके हैं घर पे और मैं यहाँ कर रही हूँ राम लड्डू की तैयारी। तो मैं इनको फुल फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि मैंने हाफ फ्राई करके रखे हुए थे ये। तो ये फ्राई हो चुके हैं और यहाँ मैंने चटनी भी पीस कर रख ली है। तो पहले मैं इसमें डाल रही हूँ, ये मूली के लच्छे हैं जिन पे मैंने नींबू डाल के रखा है, तो पहले मैं मूली के लच्छे डाल रही हूँ इसके ऊपर, और साग उबाल, और इस पे है चटनी डाल रही हूँ मैं ऊपर से। तो मार्केट में भी इसी तरह से मिलते हैं, और ये मूली के पत्तों की चटनी है जो फुलझौर में रहता है। तो ये तैयार है राम लड्डू बन के, तो आज ही आप भी खा लीजिए। तो यहाँ कढ़ाई में मैंने डाले हैं अभी शिमला ये मशरूम, और मेरे घर में वैसे भी खाते हैं तो ये वही खाते हैं चाउमीन, एग चाउमीन। तो मैंने यहाँ पर एग बेक कर लिया है, मैं इसके अंदर डाल दी हूँ कि मुझे ऑमलेट बनाना है। आज मैं चिकन चाउमीन बना रही हूँ, तो इसलिए मैं ऑमलेट से ऑमलेट बनाऊंगी पहले, वरना मैं ऐसे ही बना दूँगी सिंपल सी। तो यहाँ मैं पतली पतली लेयर में ऑमलेट जैसा बना लूँगी, और मशरूम से वैसे फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, ग्रीन अनियन और मशरूम से। जगह जहाँ मशरूम और ग्रीन अनियन होता है वहाँ पे सब्जी बहुत टेस्टी बनती है, और चाइनीज चीजों में तो वैसे ही इससे मजा आता है खाने में। तो मैं इसका ऑमलेट बना रही फिलहाल, भुजिया जैसा ही बना रही हूँ। ज़्यादा दम लग नहीं रहा, क्योंकि आज मेरे हाथ में इसमें जॉइंट में बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो इसलिए मैं सिंपल सा ही कर रही हूँ इसे। और जैसा कि मैं आपको बता रही थी, इससे फ्लेवर भी बहुत अच्छा आ जाता है। तो ये चिकन जो मैंने फ्राई करके बटर में फ्राई किया था, और इससे मैंने ऐसे पतले पतले से छोटे छोटे से पीसेस कर लिए हैं। बॉइल करके रखी थी चाउमीन को, मैंने बॉइल
फ्राई करके और इस पर ऑयल लगा के रख दिया था। तो ये देखिए बिल्कुल ही अभी तक ये इस तरह से ही पड़ी है, क्योंकि इसको करे हुए 1.5 घंटा हो चुका है। बिना ऑयल के रखेंगे तो ये चिपक जाएंगी। मेरी चिली सॉस खत्म हो रखी है, तो ये आशी लेकर आई हुई थी चाउमीन के साथ, तो ये टॉप की रेड चिली सॉस है, तो मैं यही इसमें ऐड कर दूंगी। इसमें मैं ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ, बहुत ज्यादा नहीं करूंगी क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और मुझे इतना पसंद नहीं। चाहे तो इसमें चिंग्स का मसाला डाल दीजिए, तो कुछ भी डालने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मुझे उसका फ्लेवर इतना अच्छा नहीं लगता है, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ। कैसी बनी है? अच्छी बनी। अभी चखी है? नहीं नहीं मैं चखी चखली, क्योंकि सारी चीजें आपको के फेवरेट डली हैं इसमें, मशरूम और क्या क्या चिकन और आशिक ने बनाया है राम लड्डू और कल वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया था, तो मैं अब कर रही हूँ। यहाँ मैं जा रही हूँ किसी काम से बाहर, बहुत ज़्यादा ठंडे में हवा बहुत तेज चल रही है, तो बनेगा कुछ सामान चाहिए वो लेकर आते हैं, वरना इतनी ठंडे की जाने का मन नहीं कर रहा था, जाना जरूरी है तो इसीलिए मैं अभी जा रही हूँ। हमने जो लेना था सब्जी वगैरह सब ले ली है, और अकू ने खाने थे मोमोज जो कि उससे मिस हो गए। अब देख रही है कि मिस नहीं हुए हैं, मिस नहीं हुए हैं। ठीक है मोमोज मिस हो गए तो हो गए ना आपको मिस? नहीं नहीं हुए। क्यों ये सोच फोन इसलिए हिल रहा है क्योंकि गाड़ी चल रही है, तो ये देखिए आप इसके चेहरे पे आप रौनक देख सकते हैं मोमोज के नाम की। आ हा हा हा, और अगर मैं ठंडे खिलाऊं तो ठंडे कौन खिलाते हैं? आप खिला सकते हो, बाहर का मतलब खुशी का ठिकाना नहीं है, उससे खुशी का ठिकाना नहीं है कि यहाँ मोमोज वाला खुला हुआ है। नहीं करना मत करना। तो ये देखिए और मैं मंडी से आ चुकी थी, तो काफी देर हो गई मैं ये सब्जियां वगैरह सब साफ कर रही थी और काट वगैरह रही थी, तो यहाँ मैंने काटे हैं ग्रीन अनियन, तो मैं इन्हें
पहले मैंने इसमें लहसुन डाला है और अब मैंने डाला है ये प्याज, तो मैं सौते कर रही हूँ। यहाँ मैंने ये ब्रोकली और मशरूम और गाजर को एक बॉईल दिया है। वैसे तो पनीर होता तो पनीर भी डालती, लेकिन पनीर अभी है नहीं मेरे पास और मुझे पता भी नहीं था कि मैं ये सब्जी बनाऊँगी। अचानक से ही वो हुआ कि मन हुआ कि बनानी है तो। और अक्षी कह रही है बकवास, ये देखिए क्या बकवास ये सब्जियाँ, वेरी गुड बेटा, इनको वैसे भी अच्छी चीज़ें बकवास लगती हैं। और यहाँ मैंने बनाया है ये साग, तो ये कह रहे इनका मन था कि लोहे की कढ़ाई में वो काला वाला इनके घर बनता था, तो ये इस तरह से मैंने फिर इसे काला ही बना दिया है, लोहे की कढ़ाई में काला हो जाता है। और यहाँ मैं कर रही हूँ ये सौते, तो अब मैं इसके बाद इसमें डाल दूँगी ये सारी सब्जियाँ। बस एक उबाल दिया है मैंने, देखो यहाँ मैगी मसाला के नाम से आशी कितनी खुश हो गई, कैसे शिद्दत से मैगी मसाला ढूंढ रही है। ढूंढो मिल ही नहीं रहा है, तो सही मिलेगा। देखो देखिए ये बच्ची आपको कैसे काम करती हुई दिख रही है, आप देख सकते हैं। ठीक है, हो चुकी है क्योंकि आशी को लगता है मशरूम गोबर से बनते हैं। तो इसे मैंने डाला है चिंग्स का चिली पनीर मसाला, तो भी पनीर है। अब आ गया ना कलर, तो अब आ गए मैडम चखने के लिए। ये देखिए ये बताएंगे कैसी बनी है, जल्दी करो यार। फोक से लो, गरम है अभी। ठीक है, बहुत अच्छी है। ठीक है ठीक है, नमक कम, नमक कम है। तो ये बनकर तैयार है, और आप अगर पनीर है तो इसमें पनीर डालिएगा और ट्राई कीजिएगा, बहुत यम्मी लगती है ये। तो यहाँ पर मैंने नींबू पानी में डाल के रखे क्योंकि मैं मंडी से अचार के लिए नींबू लाई थी, तो मुझे ज़्यादा अच्छे से रेसिपी नहीं आती। अगर आपको आती है तो आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा इसकी रेसिपी। तो मुझे सिंपल सा ही जैसे आता था मैं वैसे बना लेती हूँ, लेकिन इतना अच्छा नहीं बन पाता तो मैं दूसरी तीसरी बार बना रही हूँ इसको। और एक दो बार तो अच्छा बना नहीं है, एक बार ही अच्छा बना था इसमें से, तो फिर आज मैं ट्राई करूँगी। अगर आप रेसिपी बता देंगे तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने अभी किचन जितनी हो सकी उतनी ही समेटी है, बहुत अच्छे से नहीं क्योंकि सब्जी वगैरह बाहर रखी है अभी, तो ये आलू वगैरह सब बाहर ही रखे हैं। तो बस यहीं मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो।